9 जुलाई सन 2022 आज का पंचांग, आज की तिथि वार नक्षत्र योग करण की संपूर्ण व विस्तृत जानकारी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उपस्थित हुआ हूँ दैनिक पंचांग का कार्यक्रम लेकर के। दैनिक पंचांग 9 जुलाई सन 2022 आज की तिथि वार नक्षत्र योग करण की संपूर्ण और विस्तृत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आज का राहु काल का अशुभ समय क्या रहेगा, अभिजीत मुहूर्त और गुलिक काल का शुभ समय क्या रहने वाला है, आज कौन सी दिशा में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए, इन तमाम बातों की हम आपको जानकारी देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आषाढ़ माह वर्षा ऋतु शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि के साथ सूर्यदेव उदय होगी। दशमी तिथि सायंकाल 4:40 तक रहेगी और उसके बाद एकादशी तिथि होगी। आज का वार शनिवार है। नक्षत्र की बात करें तो आज स्वाति नक्षत्र मध्याह्न काल 11:25 तक रहेगा और उसके बाद विशाखा नक्षत्र होगा। आज सिद्ध योग 6:48 प्रातः काल तक रहेगा और उसके बाद साध्य योग होगा। 5:40 प्रातः काल तक तैतिल करण होगा, उसके बाद गर करण होगा। आज का राहु काल का अशुभ समय 8:57 प्रातः काल से प्रारंभ होगा, प्रातः काल 10:42 तक रहेगा। बात अभिजीत के शुभ मुहूर्त की करें तो अभिजीत का शुभ मुहूर्त मध्याह्न काल 11:57 से लेकर के 12:54 तक रहेगा। गुलिक काल का समय आज प्रातः काल 5:29 से लेकर के प्रातः काल 7:14 तक रहेगा। राहु काल में किसी भी शुभ कार्य व नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। गुलिक काल और अभिजीत मुहूर्त में सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। अभिजीत मुहूर्त में धर्म कर्म पूजा पाठ दान पुण्य के कार्यों को किया जाता है। गुलिक काल में यात्रा व्यवसाय नए कार्यों का उद्घाटन व व्यवसाय से संबंधित दैनिक दिनचर्या के कार्यों को किया जाता है। आज का दिशा सूर्य पूर्व दिशा का है। आज पूर्व दिशा में यात्रा करने से आपको विशेष रूप से बचना चाहिए। यदि किसी विशेष काम के लिए आवश्यक स्थिति में आपको पूर्व दिशा की यात्रा करनी पड़े तो घर से काली उड़द व अदरक का सेवन करने के बाद ही आप पूर्व दिशा की यात्रा करिएगा। ध्यान रखें, जब भी यात्रा प्रारंभ करें यानी घर से निकले उस समय देखें जिस भी नासिका क्षेत्र में से श्वास अच्छी तरह चल रहा हो, गतिमान स्थिति में हो, उसी तरफ के पैर का पहला कदम रख करके यात्रा शुरू करिएगा। निश्चित ही आपकी यात्रा सुखद होगी। जिन दर्शकों का आज जन्मदिन है, आप सभी दर्शकों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर आपको यश आयु कीर्ति प्रदान करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। जन्मदिन पर पूजन अवश्य करना चाहिए। जन्मदिन पर किया गया पूजन व क्रूर ग्रह का दान 1 वर्ष तक लाभ देने का कार्य करता है, इसलिए जन्मदिन पर पूजन जरूर करिएगा। आप सभी का दिन शुभ हो, जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।